व्यापार मंडल में नई कार्यकारिणी पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां मंडल के अध्यक्ष महामंत्री समेत विभिन्न पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराई गई। शपथ ग्रहण समारोह में नव निर्वाचित अध्यक्ष प्रेम चंद्र गुप्ता ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए बताया कि व्यापारियों की समस्याओं को उठाना और उनका निराकरण करवाना ही उनका कर्तव्य है। वहीं उन्होंने कहा कि व्यापारियों को जीएसटी संबंधित समस्या को कैंप के माध्यम से हल कराया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है अफीम कोठी लोहा मंडी प्रांगण में। यहाँ समस्याएं जो है व्यापारियों की तो जीएसटी की है। अभी एक नया यहाँ हाउस टैक्स का विवाद आ गया है, जिससे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मकान मालिक और किराएदारों के बीच में विवाद न उत्पन्न हो, जिससे नगर आयुक्त से मिल करके हम लोग समाधान कराएंगे। आज ये शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम जो है यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया है, और अभी एक महीना पहले यहाँ चुनाव हुए थे। अब उसमें जो पदाधिकारीगण जो चुने गए हैं, आज उनके लिए जो है सब इंतजाम किया गया है, और पदाधिकारियों का माल्यार्पण, और हमारे जो कानपुर शहर के व्यापारीगण हैं विभिन्न विभिन्न बाज़ारों के, उनको बुलाया गया है। उनका स्वागत समारोह का भी कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, और अब आगे से कार्यशाला जो है हमारे प्रेमचंद गुप्ता जी यहाँ के अब अध्यक्ष चुने गए हैं, आज उनका जो है माल्यार्पण करके उनको ये कार्यभार संभाल दे दिया जाएगा। पुराना अध्यक्ष जो थे, जो पूर्व अध्यक्ष थे, वो भी कार्यकाल उनका भी अच्छा रहा। ये तो प्रक्रिया है कि जो है नए से चुनाव होते हैं, फिर नए अध्यक्ष की घोषणा होती है। इनसे भी वही उम्मीद है कि अफीम कोठी लोहा व्यापार मंडल का विकास हो, यहाँ सारी सुविधाएं मिले, व्यापारियों की जो परेशानियां हैं वो सॉल्व हों। उसी हिसाब से चुनाव कराया गया कि चुनाव के बाद कम से कम मंडी का विकास हो, और मंडी की कुछ समस्याएं ऐसी है जो बगैर इस चुनाव के निदान नहीं हो सकता था। जैसे अभी नगर निगम की नोटिस हर दुकानदार को आई है, और नगर निगम ने अनाप शनाप टैक्स भेजा है, यानी कोई ऐसा गोदाम नहीं है जिसका 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपए का उन्होंने हाउस टैक्स भेजा है। अब ये चुनाव इसीलिए करा, चुनाव काफ़ी दिन से रुका हुआ था, चुनाव कराया गया कि जो भी पदाधिकारी कराएंगे वो नगर निगम में बात करेंगे और इसका निदान कराएंगे। और वक्त हो चला।